Hello and welcome back to another video lecture. So chapter number 4, animal kingdom, and हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं, ठीक है, चैप्टर के एंड पे. तो सिर्फ दो ही क्लास बची हुई है. अब हमने आगे के लेक्चर में क्लास रेप्टिलिया तक देखा था, ठीक है. अब है क्लास एव्स एंड मैमल्स. एव्स एंड मैमल्स दो बाकी है हमारे क्लास. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विथ क्लास एव्स. सो क्लास एव्स जो है उनमें सारी ही बर्ड्स आएंगी, आपको अभी पता चल जाएगा उनके कैरेक्टर के ऊपर से. क्लास एव्स जो है उनके जो मैमल्स, मतलब उनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होंगे उनमें आएंगे फीदर्स. क्या आएंगे? फीदर्स. जितने भी मेंबर हैं उनके पास क्या है? फीदर्स हैं, ठीक है. तो फीदर्स की वजह से एव्स क्लास में उनको रखा गया है. अब दूसरा क्या आएगा कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो या तो दे कैन फ्लाई और दे कैन नॉट. इफ नॉट देन दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. ऐसे भी मेंबर्स हैं जो फ्लाइटलेस हैं. ऐसा नहीं होता कि एव्स के जितने भी मेंबर्स हैं बर्ड्स हैं तो सारे ही उड़ रहे हैं, नहीं. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं ड्यू टू देयर हैवी वेट एंड ड्यू टू देयर लेस डेवलप्ड विंग और देयर बॉडी स्ट्रक्चर, राइट. सो इफ वी टेक एन एग्जाम्पल देन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ नहीं पाता, यानी कि वो फ्लाइटलेस बर्ड्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट है बॉडी. तो बॉडी जो होता है उनका, उनमें हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी बिक, ठीक है, उनकी बिक होगी. देन हेड मिलेगा, नेक मिलेगी, एब्डोमिन होगा, ठीक है, या तो उसका बॉडी ही बोल दो पूरा, तो एक्सेट्रा ही लिख देती हूँ, ठीक है. थॉरेक्स है, एब्डोमिन है, टेल है, तो उनका बॉडी जो होता है. और दूसरा क्या होता है वहाँ पे? लिम्स आपको मिल जाएंगी, लिम्स. तो लिम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है. यहाँ पे लिखते तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया. लिम्स, लिम्स कौन सी होती है? फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. अगर हम आगे की बात करें तो ये फोर लिम्स हैं, अगर हम अपने पैरों की बात करें तो ये हाइंड लिम्स होते हैं. तो क्लास एव्स की कैटेगरी में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनके जो हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, हाइंड लिम्स, वो स्विम करने के लिए या तो चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, ठीक है, या तो क्लैस्पिंग करने के लिए, यानी कि पकड़ जमाने के लिए वो मॉडिफाइड हो रखे हैं, ठीक है. अगर आप किसी ब्रांच पे बर्ड्स को देख लो तो वो कैसे ऐसे पकड़ के बैठा होता है, ठीक है, बैठा नहीं होता, सॉरी, खड़ा होता है, ठीक है. तो वो जो एक पकड़ जमाना होता है तो वो एक तरह की एडप्टेशन है, ठीक है. देन उसको अगर चलना हो तो वो चल भी सकता है. अगर उसको तैरना हो, अगर आपने डक के लेग्स देखे हो तो आपको ऐसे मिलेंगे, वेब्ड होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं. तो यानी कि अलग अलग तरीके से उन्होंने मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है, अपने लेग्स को, यानी कि हैंड लिम्स को. बट फोर लिम्स हैं उनके, वो बन गए हैं क्या? विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, सो दैट वो उड़ सके, ठीक है. देन आता है स्किन. तो स्किन कैसी है? उनकी स्किन जो होती है वो एकदम ड्राई होती है. फीदर्स तो होते हैं लेकिन ड्राई होती है. अपनी तरह वहाँ पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, तो ग्लैंड्स आर एब्सेंट. अपन के स्किन में जैसे स्वेट ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, वैसे यहाँ पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है.
सो स्किन इज़ ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ पे मैंने ग्लैंड वाला पॉइंट लिखा है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल देर इज वन ग्लैंड विच इज ऑयल ग्लैंड, विच इज ऑयल ग्लैंड। तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है उसके टेल के बेस पर, ठीक है, बाकी उसके बॉडी पर कहीं भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो उनका बॉडी ड्राई होता है। अब आप ही समझ लो, अगर उनका बॉडी ऑयली रहेगा, स्टिकी रहेगा, ठीक है, तो ऑयल की वजह से क्या होता है, वो जो फेदर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, वो प्रॉपर उड़ नहीं पाएगा ऐसे, ठीक है। सो इसी वजह से वहाँ पे ड्राई रखना मोर कन्वीनियंट होगा। एंडोस्केलेटन कैसा है, अंदर का जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम है वो एंडोस्केलेटन होगा ओसीफाइड, ठीक है, या तो बोनी। कैसा है, ओसीफाइड है या तो बोनी। ओसीफाइड मतलब बोन्स का बना है, लेकिन वो बोन्स भी कैसे हैं, न्यूमेटिक टाइप ऑफ बोन। न्यूमेटिक मतलब ऐसा होता है कि जो बोन्स तो है, लेकिन बोन्स में जो भी बीच में कैविटी होती है ना, बोन्स को अगर आप ब्रेक करके देखो, यहाँ से ब्रेक करके देखो, तो अंदर क्या होती है, अंदर कैविटी होती है, ठीक है, जगह होती है, वहाँ पे एयर फिलअप हुई है, ठीक है, अंदर पूरा खाली है वो। सो इससे क्या होगा, उनके बोन्स जो होते हैं वो थोड़ा कम हैवी होंगे, लाइट वेटेड होंगे, सो उनको उड़ने में वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर बॉडी हैवी हो जाएगा ज़्यादा तो वो उड़ नहीं पाएंगे। सो उनके बोन्स कैसे रखे गए हैं, न्यूमेटिक टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है। देन आ गया डाइजेस्टिव ट्रैक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में, अब डाइजेस्टिव ट्रैक है तो कंप्लीट, है तो कंप्लीट, लेकिन एडिशनल कंपार्टमेंट दिए गए हैं वहाँ पे, एडिशनल कंपार्टमेंट्स आर देयर विच इज कॉल्ड क्रॉप एंड गिजर्ड। क्या है उनके पास, एडिशनल कंपार्टमेंट्स हैं उनके पास अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में, क्रॉप है और गिजर्ड है। क्रॉप का फंक्शन क्या है, जब भी वो फूड मटेरियल लेगा, ठीक है, वो जब भी दाना चुनेगा, वो अपना फूड मटेरियल लेगा, तब वो जो ग्रेन्स होते हैं, वो जो दाने होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, अपने क्रॉप पार्ट में, ठीक है, क्रॉप में वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड जो गिजार्ड होता है, वो गिजार्ड का क्या काम है, उसका काम है ग्राइंड करना। उसका काम कैसा है, ग्राइंडर जैसा है, वो ग्राइंड करता है, वो मसल देता है पूरे, ठीक है। तो उनके मुंह में टीथ तो होते नहीं कि वो उसको मस्टिकेट करे, वो उनको एकदम पिस डाले, ठीक है। तो इसकी वजह से उसमें एक एडिशनल कंपार्टमेंट देना पड़ा जिसका नाम है गिजार्ड। तो गिजार्ड क्या करेगा, वो पिस देगा, वो ग्राइंड कर देगा, सो दैट वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हो गए, क्रॉप एंड गिजार्ड। देन आ गया हार्ट। तो हार्ट क्या है, हार्ट अब फुल्ली डेवलप हो चुका है, यानी कि फोर चैम्बर्ड है, ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि फोर चैम्बर्ड अगर आप ले लो तो उसमें टू ऑरिकल है और टू वेंट्रिकल प्रेजेंट है, दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल, ठीक है, छोटे वाले ऑरिकल, बड़े वाले वेंट्रिकल, ऐसे फोर चैम्बर्ड हार्ट बन गया है। ब्लड इसका कैसा है, वार्म ब्लडेड। अब जो एनिमल्स आएंगे वो सारे वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि होमोथर्मिक है, होमोथर्मिक, यानी कि उसका मतलब ऐसा होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास वार्म ब्लड है, तो उनका बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वो इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया, बाहर का ज़्यादा ठंडा हो गया तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर, लेकिन बाहर का फ्लक्चुएट होता रहता है। अब ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। हमने देखे थे आगे पोइकिलोथर्म्स, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैसे थे, जिनमें
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर था वो स्टेबल नहीं रह सकता था, कांस्टेंट नहीं था, वो फ्लक्चुएट होता रहता था किसके अकॉर्डिंग, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन रहेगा तो वार्म ब्लडेड। देन आ गया रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए उसके पास क्या है, लंग्स हैं हमारी तरह, ठीक है। लंग्स थ्रू वो रेस्पिरेशन करेगा, एयर सैक्स एडिशनल एयर फिलर्स, ठीक है। एयर को फिल करने के लिए यानी कि लंग्स तो है ही उनके पास, लेकिन ज़्यादा एयर स्टोर करने के लिए उनके पास है एयर सैक्स, सो दैट जब वो ऊंचाई पे उड़ते जाएं तब उनको एयर की कमी महसूस ना हो, क्योंकि जब ऊंचाई पे जाएंगे तब ब्रीथिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एयर सैक्स, ठीक है। तो लंग्स भी है एयर सैक्स भी हैं, तो डबल वो रेस्पिरेशन कर पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है ओवीपैरस। तो ओवीपैरस यानी कि एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है। बर्ड जो होती है वो क्या एग्स ले करती है और उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। बच्चे कोई लार्वा जैसे या कैटरपिलर जैसे नहीं दिखते हैं, यानी कि डेवलपमेंट उसका होता है डायरेक्ट। जो भी बेबीज हैं वो उनके एडल्ट्स की तरह ही दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो स्पैरो का अंडा था उसमें से कुछ बच्चा निकला और वो कैटरपिलर की तरह रेंग रेंग के जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। बर्ड्स के बच्चे बर्ड्स की तरह ही दिखते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट टाइप, ठीक है। अब आ गया एग्जांपल। तो एग्जांपल्स में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी पूरी तरह से एग्जांपल बोल के। तो ए उसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, ऑस्ट्रिच ले लो, पैरेट, पिकॉक, मैना, ठीक है, देन पेंगुइन जो उड़ नहीं पाता, ईमू है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, देन ईगल है, वल्चर्स हैं, ठीक है, तो वेबलर्स हैं, देन बी ईटर है, ग्रीन बी ईटर है, ठीक है, किंगफिशर है। सो देर आर अ वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स विच आर गिवन अंडर द क्लास एव्स, ओके। सो एव्स में बहुत सारे बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं जो आपने देखे तक नहीं होंगे। एनिमल्स बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि बर्ड्स वो एनिमल नहीं है, ये सारे एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो यानी कि इंसेक्ट भी एनिमल्स ही हुए, बर्ड्स भी एनिमल्स ही हुए, ठीक है, ये भी एनिमल्स ही है, हम भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन हम सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लास एव्स कंप्लीट, ओके। अब आता है क्लास मैमेलिया। अब कौन सा क्लास आता है, मैमेलिया। तो मैमेलिया में क्या है, हैबिटेट दिया गया है फर्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे मैं वेरियस लिख दूंगी, उससे मेरा काम चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा अभी हाल। तो हैबिटेट वेरियस है, यानी कि मैमेलिया क्लास के जो भी मेंबर्स हैं वो आपको किसी भी हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो पानी में भी आपको मिलेंगे, वो पोलर रीजन में भी मिलेंगे, वो आपको फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, वो आपको रेगिस्तान में भी मिलेंगे, ठीक है। सो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो देन आ गया एडप्टेशन। तो एडप्टेशन कैसी करी हुई है, तो अभी मैंने बताया कि मैमलियन जो क्लास है उनके एनिमल्स जो हैं वो आपको पानी में भी मिल सकते हैं, तो स्विमिंग की एडप्टेशन उन्होंने ली गई है, ठीक है, स्विमिंग, देन फ्लाइंग, ठीक है, एक्सेट्रा। स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ये सारी क्या है, एडप्टेशंस है, ठीक है। देन मैमेलियन कैरेक्टर, मैमेलियन कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड, क्या है, मेमोरी ग्लैंड, यानी कि आप मैमल्स उनको बोल सकते हो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, जो यंग वंस यानी कि उनके जो बेबीज होते हैं उनको नरिशमेंट के लिए वो उनको हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड द क्लास नेम्ड मैमेलिया,
ठीक है, वो ऐसे आया, क्लास जो क्लास का नाम है मेमिलिया, वो किसके ऊपर से आया? मेमिलियन कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड के ऊपर से, ठीक है। देन आगे लिम्स, तो लिम्स कैसे हैं उनके? तो यहाँ पे भी है फोर लिम एंड हाइंड लिम। तो फोर लिम्स की अगर हम बात करें तो फोर लिम्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? फोर लिम दो और ये दो, टोटल होते हैं चार, ठीक है। तो दो हाथ और दो पैर है हमारे पास, ठीक है, दूसरे जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके पास भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि फोर लिम्स जो होते हैं यानी कि हाथ जो होते हैं वो या तो लिखने के लिए या तो खाने के लिए, ठीक है, चलने के लिए भी कोई कोई यूज़ कर लेता है, पकड़ने के लिए भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो फोर लिम्स का यूज़ ऐसे होगा। हाइंड लिम्स यानी कि पैरों का यूज़ कैसे होगा? या तो चलने में होगा, या तो फिर दौड़ने में करेंगे, या तो फिर कुछ ऐसे डिक करने में करेंगे, ठीक है, बरो करने के लिए, ठीक है। अंदर उनको अगर एक वो बनाना है गुफा जैसा कुछ छोटा सा, ठीक है, जिसको माउंड बोलते हैं, तो अगर उसको ऐसा कुछ बनाना होगा छोटा सा तो वो क्या करेंगे? वो मिट्टी हटाने में भी अपने हैंड्स का, फोर लिम्स का, या तो कोई होता है जो पीछे के पैर से भी लगा रहता है, ठीक है, तो उसका वो हेल्प लेगा। या तो अगर वो पानी में रह रहे हैं तो वो स्विमिंग में भी उनके क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने फ्लाइंग एडेप्टेशन, ठीक है, वो फ्लाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों को विंग्स की तरह उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है सो दैट उनको उड़ने में भी हेल्प मिले, ठीक है। तो ये सारी होती है एडेप्टेशंस। फिर आ गई स्किन, तो स्किन कैसी है? हैरी एंड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, हैरी स्किन है। स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे? या तो ज़्यादा या तो कम हेयर्स प्रेजेंट मिलेंगे। अगर आप देख लो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं जो वो पोलर बियर एंड वो सब, तो ठीक है, उनके बॉडी पर फर जो होता है, हेयर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको वो हेयर जो होता है उनकी स्किन को ढक के रखता है सो दैट उनको ठंडी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो हेयर इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर, ठीक है, वो जो ओपन पोर्स होते हैं ना हमारे स्किन के उनको वो ढक के रखता है सो दैट वो पोर्स के थ्रू कोई भी अंदर चला ना जाए, कोई भी वेस्ट मटेरियल या तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुस ना जाए, ठीक है। तो हेयर है वो उनमें भी हमें हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मैंने इसमें जब आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने बताया कि मैमिलिया जो होते हैं उनके जो स्किन होती है उनमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, लाइक स्वेट ग्लैंड, शेबेसियस ग्लैंड। तो क्या करती है? स्वेटिंग करती है, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गई तो स्वेटिंग हो जाएगा सो दैट सरफेस कूल डाउन कर सके। और वो स्वेटिंग जो होता है वो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है सो वो वेस्ट भी बाहर निकल गया, ठीक है। देन अगर आप ले लो सेबेशियस ग्लैंड, तो सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है? तो सेबेशियस ग्लैंड जो होती है उनका सिक्रेशन सीबम होता है जो अपन के जो स्किन होती है उनको सॉफ्ट रखता है। तो सॉफ्टनेस यानी कि नमी देने में सेबेशियस ग्लैंड जो है वो हमें हेल्पफुल रहती है, ठीक है। देन आगे ईयर, तो ईयर जो होते हैं इंटरनल मिडल एंड एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो पिन्ना के फॉर्म में हमें मिलते हैं, ईयर पिन्ना, ठीक है। इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट है, मिडल ईयर प्रेजेंट है, और ये बाहर आपको जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, सॉरी उसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। सो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी तक हमें कहीं भी दिख नहीं रहा था वो, अब मेमेलियन क्लास में वो ईयर पिन्ना प्रेजेंट मिला है हमें, ठीक है। देन आगे टीथ, तो टीथ जो होते हैं वो हेटरोडोंट टाइप होते हैं, हेटरोडोंट, हेटरो मीन्स होता है डिससिमिलर, डोंट मीन्स होता है टीथ, यानी कि डिससिमिलर टाइप ऑफ टीथ।
यानी अगर आप शीशे में अपने आप को देखो, अपने टीथ को ऑब्जर्व करो, तो आगे के चार होंगे वो चीजल शेप के होंगे, देन दो कैनाइन होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देन प्री मोलार होंगी यानी कि जिसको हम डाढ़ बोलते हैं, ठीक है, गुजराती में, देन होगी मोलार, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, यहाँ ऊपर के जबड़े में भी होंगे, नीचे भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे डिसिमिलर टाइप ऑफ टीथ आपको देखने मिलेंगे, यानी कि हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ है हमारे पास। देन हो गया हार्ट, तो हार्ट है फोर चैम्बर्ड, ठीक है, इसके जैसा ही, एप्स के जैसा ही फोर चैम्बर्ड हार्ट है, दो ऊपर के ऑरिकल है, नीचे के दो वेंट्रिकल है, ठीक है। चलो ब्लड हो गया इसके जैसा, यानी कि वॉर्म ब्लडेड है, वॉर्म ब्लडेड यानी कि होमोथर्मिक। होमोथर्मिक मतलब क्या होगा, इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बाहर के जैसे फ्लक्चुएट होगा नहीं, ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए। देन होगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए क्या है हमारे पास, वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। देन सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड अच्छे से हम उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, सो फर्टिलाइजेशन टाइप इज इंटरनल। देन वीवीपेरस मोस्टली, क्योंकि एक्सेप्शनली प्लेटीपस इज ओवीपेरस। क्या लिखा है, यंग वंस को बर्थ देते हैं, वीवीपेरस मतलब जो भी मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, वो एग्स ले नहीं करते, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ही है यहाँ पे, दैट इज प्लेटीपस। प्लेटीपस जो होता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसा कुछ, जो डक होती है उसकी तरह उसकी चोंच होती है, ऐसा उसका बॉडी होता है, और ऐसी उसकी पूंछ होती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी, तो ऐसी पूंछ होती है, ठीक है। मैंने पैर नहीं बनाए हैं, मैं जस्ट आपको उसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तो ये उसके ऐसा चोंच जैसा निकला हुआ है, यहाँ पे उसके नॉस्ट्रिल है, ये उसकी आँखें हैं खूबसूरत, ठीक है। तो ये है प्लेटिपस जो ओवी पेरिस है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस में आता है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पे, क्या हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, कोई है ऐसा अजूबा जो कैटरपिलर को जन्म देता हो, तो डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट, यानी कि नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है, डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा, बच्चा जो होता है वो अपने मम्मी पापा के जैसे ही दिख रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स फाइनली, सो एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है, उनमें क्या आएगा, बड़े ही सिंपल है, ह्यूमन बींग्स ले लो, ठीक है, हमको ले लो, देन डॉग्स ले लो, कैट ले लो, डॉल्फिन, वेल, ठीक है, चमगादड़ ले लो, देन टाइगर, लायन, गॉट, बफेलो, काउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी किस में आते हैं, एप्स ले लो यानी कि बंदर ले लो, तो सब किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे, तो ये सारे मैमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, लास्ट क्लास भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने क्या कंप्लीट किया है इस चैप्टर में, हमने स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन हमने नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम देखे, देन हमने कॉर्डेट्स के फाइलम देखे, ठीक है, कॉर्डेट का फाइलम पूरा देखा, उनमें क्लास पढ़े हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर नहीं हुआ है अभी, हमें एक पूरा ओवरव्यू, एक टेबल देखना है अभी, ठीक है, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, शॉर्ट की है उसमें, ठीक है। तो वो देखने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक वाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम वो टेबल करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो अब हमें देखना है टेबल। सो मैं टेबल ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें ठीक से याद करना है। क्या करना है, हमें ठीक से याद करना है, जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे हमें पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, अब सीधी लाइन जाएगी या नहीं जाएगी अपन को पता है नहीं। ठीक है, अभी तक तो सीधा ही है। चलो, सो फर्स्ट है फाइलम। ठीक है, तो अपन ने अभी तक कौन से फाइलम पढ़े हैं, तो यहाँ पे हमें उसका पूरा लिस्ट लिखना है। तो फर्स्ट वन है पॉरीफेरा, देन था सीलेंट्रेटा, ठीक है, देन आ गया निडारिया, सॉरी टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद प्लेटी हेलमिंथिस, देन एस्किलमिंथिस, उसके बाद था एनिलीडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मॉलुस्का एंड एकाइनोडर्माटा, देन था हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, इतने सारे हमने अभी तक पढ़े, होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। ओके, सो इनके जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उनको सिर्फ यहाँ पे किस तरह का आएगा वही हमें छापना है यहाँ पे। पॉरीफेरा, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था पॉरीफेरा में, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सेल्यूलर। कैसा था, सेल्यूलर टाइप, यानी कि सिर्फ सेल्स बने थे। देन जब आगे का फाइलम देखा तो उनमें सेल्स में से क्या बन गई थी, टिश्यू फॉर्म हो गई थी। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिला था। ठीक है, देन प्लेटी हेलमेंथिस में जब हमने देखा तो ऑर्गेन्स बने थे और कुछ कुछ ऑर्गेन सिस्टम हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम दोनों प्लेटी हेलमेंथिस में। अब जितने भी आए उनमें सब में ऑर्गेन सिस्टम वेल डेवलप बन गई थी, तो यहाँ पे सब में आएगा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, ओके,
तो फर्स्ट कॉलम हो गया डन, बड़ा ही सिंपल था, जस्ट हमें याद करना था किसमें क्या था, ठीक है। अब आ गया सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि हमें क्या करना है, उनको काटना है, हमें उनको डिवाइड करना है, उनका बॉडी क्या इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, क्या दो ही इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, या तो सो मेनी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोला था हमने सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे पॉरीफेरा जो है उनमें ए सिमेट्री थी, यानी उसमें हम लिखेंगे वेरियस, उसमें हम लिखेंगे वेरियस, यानी कि उसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिमेट्री है ही नहीं, ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देन हो गया सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का जो बॉडी था, तो याद करो आप जेलीफिश को, उसको आप अम्ब्रेला जैसी होती है, तो उनको आप कितने भी इक्वल हाउस में कर सकते हो, ठीक है। तो वो होगा रेडियल सिमेट्री, सो मेनी इक्वल हाउस वाला, ठीक है। टीनोफोरा के भी कुछ ऐसे ही एनिमल्स थे, बॉल जैसे एनिमल थे, ठीक है, बॉल जैसे। तो बॉल को तो आप सो मेनी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी आएगा रेडियल, ठीक है। देन जितने भी आते हैं, अब जितने भी फाइलम्स आते हैं, वो सारे फाइलम की सिमेट्री कौन सी होगी, बाईलेटरल। कैसी होगी, बाईलेटरल। तो सारों में आँख मूंद कर आप लिख सकते हो बाईलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट वन। कौन सा होगा वो, याद करो स्टारफिश जो थी उस फाइलम में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको दोनों सिमेट्री मिलेगी, लार्वल स्टेज में बाईलेटरल, एंड जब वो एडल्ट बनेंगे तब उनकी सिमेट्री होगी रेडियल, यानी कि वो थे एकाइनोडर्माटा। तो एकाइनोडर्माटा में हमें दो मिलेंगी, जब छोटे होंगे तब बाइलेटरल, एंड जब बड़े हो जाएंगे तब रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हो गया सीलोम। सीलोम यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी की वॉल जो होती है वहाँ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उसके बीच जगह प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी में अंदर जगह है या नहीं है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो तीन तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो वहाँ पे जो मीजोडर्म होता है उसके बीच क्या जगह होती है या नहीं होती है, तो मीजोडर्म में क्या होता है, जगह होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिलोम। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि है या नहीं है, ठीक है। तो पॉरीफेरा में एब्सेंट, ठीक है, अब ए या पी लिखूंगी, सो आप समझ लेना एब्सेंट या प्रेजेंट। सीलोमेट में, सॉरी सिलेंट्रेटा में एब्सेंट, टीनोफोरा में एब्सेंट, प्लेटीहेलमिन्थिस में एब्सेंट। वो तो एकदम फ्लैट थे, अगर बॉडी ही फ्लैट होगा तो जगह कहाँ से होगी। फिर आगे एस्कल्मिन्थिस, तो यहाँ पे स्यूडो थी, ठीक है, फॉल्स टाइप ऑफ बॉडी कैविटी प्रेजेंट थी, स्यूडो। देन सब में क्या आएगा, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है, सब में प्रेजेंट है, पी फॉर प्रेजेंट नॉट फॉर स्यूडो, ठीक है, स्यूडो एक ही में आएगा एस्कल्मिन्थिस, ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करो सेगमेंटेशन क्या था, अगर बॉडी का कोई पार्ट है एक्सटर्नली या इंटरनली वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम सेगमेंटेशन बोल सकते हैं। और दूसरी भी एक डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, ठीक है, वो एग्जैक्टली उसका लोकेशन फिक्स है, यानी कि अगर आप छोटे बच्चों को ले लो तो उसका अगर आप पेट देखोगे तो वहाँ पे अगर लेफ्ट साइड को आपको स्टमक मिलेगा तो बड़ों के बॉडी में भी लेफ्ट साइड को आपको स्टमक ही मिलेगा। छोटे बच्चों में हार्ट की पोजीशन जहाँ पे होती है, थॉरेक्स में होती है, तो बड़ों में भी हार्ट की पोजीशन वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो अगर फिक्स जगह है, यानी कि अगर आप छोटे ले रहे हो, यंग वंस ले रहे हो, यंग ले रहे हो, एजड पर्सन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि कोई जो पार्ट है वो बॉडी में कहीं इधर उधर चला गया बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता, तो उसको भी आप सेगमेंटेशन के तरह ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन यानी कि रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन तो कहाँ पे हो रहा था, सिर्फ हो रहा था यहाँ पे एनेलिड्स में।
एनेलिड्स जो थे उसमें रिपीटेशन हो रहा था, यानी कि सेगमेंटेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिखूंगी, क्योंकि याद करो एनेलिड्स में आता था अर्थवॉर्म, और नाम में ही है एनेलिड, यानी कि रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, तो रिंग्स जो थी वो रिपीट हो रही थी। प्लेटी हेलमेंथिस में हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन आएगा, सो अभी मैं वहाँ पे एब्सेंट लिख रही हूँ। या तो आप स्यूडो लिख सकते हो, ठीक है। देन आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट है सेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो सारे हैं उनमें एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या तो कंप्लीट टाइप थी या तो इनकम्प्लीट थी, तो यहाँ पे आएगी इनकम्प्लीट, 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 ठीक है। प्लेटी हेलमेंथिस में कैसी थी? इनकम्प्लीट, ठीक है। एस्केल्मिंथिस में कंप्लीट थी, तो अब सब में कैसी आएगी? कंप्लीट आएगी, ठीक है। यहाँ से राग नाप लो आप, कंप्लीट, कंप्लीट। एक बार कंप्लीट हो गए ना, फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट ही होगी उसमें, ठीक है। कंप्लीट यानी कि दो पोर्स के थ्रू, माउथ एंड एनस अलग अलग पोर्स के थ्रू ओपन हो रही होती है, तो कंप्लीट होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम या तो ओपन टाइप है या तो क्लोज टाइप है, याद कर लो हमने पढ़ा था, ठीक है। ओपन टाइप यानी कि बॉडी में ब्लड जो है वो ऐसे ही फैल रहा है, कैविटी में फिल हो गया है, ठीक है। पूरे जो अपन के ऑर्गेन एंड टिश्यूज होते हैं वो तैर रही है ब्लड में। लेकिन क्लोज टाइप क्या होता है? बॉडी में जो ब्लड होता है वो हार्ट में एंड वेसल्स में ही फ्लो होता है, ऐसे बाहर नहीं निकलता। जैसे कि हमारी जो वेसल्स दिखती हैं हमें बॉडी में, तो उन वेसल्स में ही ब्लड फिलअप हो रखा है, कहीं और जगह पे नहीं है, ठीक है। वो वेसल्स में ही होगा ब्लड, बाहर ऐसे ही नहीं वो यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, ऐसा नहीं होता, तो उसको क्लोज बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे आएगी एनेलिड्स से। एनेलिड्स में कौन सी थी? एनेलिड्स में थी क्लोज्ड, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ओपन थी, फिर मोलस्का में क्लोज्ड एंड ओपन दोनों थी, याद है। मोलस्का में जो सिफेलोपोड्स थे उनकी क्लोज थी, बाकी के जो थे उनकी ओपन थी, तो यहाँ पे मैं दोनों लिखूँगी। टेक्स्ट में अगर नहीं लिखा हो तो मेरा फॉल्ट नहीं है, टेक्स्ट में आप ऐड कर सकते हो कि मोलस्का में जो भी सिफेलोपोड्स हैं उनकी क्लोज्ड है, यानी कि ऑक्टोपस एंड वो सारे जिसके सिर में से पैर निकल रहे हैं, और बाकी के जो भी मोलस्क बचते हैं सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल जो बचते हैं उनकी ओपन टाइप होती है, ठीक है। तो आप ऐसा अलग से नोट कर सकते हो। एकाइनोडर्म्स की थी कैसी? एकाइनोडर्म्स की थी क्लोज टाइप, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा की ओपन थी, यहाँ पे क्लोज्ड, ठीक है, हो गया। देन आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कहीं तो ऐसी सिस्टम बनी ही नहीं हुई है, ठीक है। एनेलिड्स में भी नहीं है, यहाँ से आएगी आर्थ्रोपॉड्स से आएगी, ठीक है। गिल्स थी उनमें, ट्रेकल सिस्टम्स थी उनमें, बुक लंग्स थे उनमें, बुक गिल्स थी उनमें, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट आएगी सब में, प्रेजेंट, 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 ओके, यहाँ से पूरा प्रेजेंट। देन आ गया डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, पॉरीफेरा के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर में क्या आएगा? तो उसका बॉडी जो है वो पोर्स ऑन बॉडी सरफेस, पोर्स प्रेजेंट था, ठीक है। देन सीलेंट्रेटा का क्या आएगा? नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा का आएगा, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट था। देन आ गया टीनोफोरा, टीनोफोरा में कॉम्ब प्लेट थी, ठीक है। देन आ गया प्लेटी हेलमेंथिस, जिनके बॉडी बड़े ही फ्लैट बॉडी थे, फ्लैट बॉडी थे, ठीक है। शकर्स थे उनके पास, हुक्स थे उनके पास, एंडोपैरासाइट्स थे वो।
देन आ गए एस्कलमिंथिस। तो एस्कलमिंथिस के पास क्या था, वो राउंड वॉर्म थे, ठीक है, राउंड वॉर्म थे। देन आ गया एनेलीड्स, एनेलीड्स यानी कि अर्थवॉर्म वाला। तो एनेलीड्स में क्या था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर सेगमेंटेशन फर्स्टली उसमें प्रेजेंट आया था, ठीक है, एन्यूलस थी उसमें, रिंग्स प्रेजेंट थी, ठीक है। आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स में क्या आया था, जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट थे। फिर वो क्यूटीन से बना उसका वो एक्सोस्केलेटन था, क्यूटीन से बना ऐसे हार्ड जैसा, ठीक है। देन आ गया मोलस्का, तो मोलस्का जो होते हैं उनमें शेल देखने को मिलते हैं, वो अपने बॉडी के ऊपर सेल बनाते हैं जिनको हमने मेंटल बोला था, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। देन आ गया एकाइनोडर्म, तो एकाइनोडर्म में वाटर वास्कुलर सिस्टम थी, याद है, वाटर वास्कुलर सिस्टम थी, उससे याद आया इसमें कैनाल सिस्टम थी, ठीक है। देन आ गया हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा जो थे वो वॉर्म लाइक थे एंड उनमें प्रोबोसिस प्रेजेंट था, ठीक है। देन आ गया कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में तो हम और वो एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, साइक्लोस्टोमाटा, फिशेस जो थी वो सभी आ गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी, हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, डिस्टिंक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। तो ये आपको कब आएगा, ये टेबल आप तब कंप्लीट कर सकते हो, तब आप ये पूरा ब्लैंक टेबल फिलअप कर सकते हो, जब आपको पूरा चैप्टर ऐसे माइंड में हो, तब आप बिना किसी टेक्स्ट बुक का पेज देखे आप पूरा ये फिलअप कर सकते हो। अगर आपको ये सीक्वेंस में पता है, अगर आपको ये पता है, तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये टेबल आपसे फिलअप हो जाए पूरा ऐसे ही बिना देखे, तो समझ लेना कि आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब बात रही नीट की, ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है उसमें हमने मोस्ट ऑफ तो ये कवर अप कर लिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, 60 to 70% तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। अब आ गया नीट का पार्ट, तो नीट का पार्ट हम आज नहीं देखने वाले हैं, आज हम यहीं पे यानी कि एनसीईआरटी तक ही देखने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी तक ही हम देखने वाले हैं। सो इसका नीट जो है वो हम बाद में देखने वाले हैं, ओके। सो फिर से एक रिमाइंडर दे देती हूँ, जितना भी चला है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, दो बार ही उसको लिखना है, ये टेबल भी लिखना है उसके साथ, आज की दो क्लास लिखनी है, एव्स एंड मैमल्स, पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे हर बार मैं लिखाती हूँ वही तरह लिखना है आपको और लर्न करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एनसीईआरटी चैप्टर अपना ख़त्म होता है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू सम टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, चलो।